हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज में अगर फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर क्या चीज़ होते हैं, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांजिस्टर बनते कैसे हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो जो कि बोर्ड की परीक्षा में बहुत बार आते हैं ट्रांजिस्टर, यह बहुत जो है आसान होते हैं, बहुत बार आते हैं, जो कि आपको जानना बहुत ही आवश्यक है ट्रांजिस्टर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बगल में बेल आइकन के घंटे को दबाना ना भूलें। चलिए ट्रांजिस्टर को शुरू करते हैं। देखिए, हमने बनाया पी टाइप के अर्धचालक को, जब एन टाइप के अर्धचालक में जोड़ा तो यह पी एन संधि डायोड बन गया, और इसी के बगल में एक और पी टाइप का अर्धचालक जोड़ देंगे तो यह पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि जब दो आपने जब अर्धचालक जोड़ा तो यह डायोड द्विध्रुवी कहलाया, और तीन अर्धचालक जोड़ देंगे तो हो जाएगा यह ट्राई ट्रांजिस्टर। मतलब केमिस्ट्री में डायोड ट्राई ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, तो डायोड कहते हैं और इसको तीन जोड़ देंगे तो ट्रांजिस्टर कहते हैं। आप समझिए, यह ट्रांजिस्टर तीन अर्धचालकों से निर्मित एक ऐसी युक्ति का नाम होता है जो डायोड वाल्व के स्थान पर विलुप्त होता है, ऐसे ही कहते हैं ट्रांजिस्टर। इसका जो आविष्कार है, इसका आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक 1948 में ईस्वी में डेविड बोर, इसका आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक वार्डिन बेरिन और सोकले नाम के वैज्ञानिक ने की थी। जो ट्रांजिस्टर होता क्या है, तीन अर्धचालकों से निर्मित एक ऐसी युक्ति है जो डायोड वाल्व के स्थान पर विलुप्त होती है, इसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसका आविष्कार 1948 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक वार्डिन बेरिन और सोकले नाम के वैज्ञानिक ने की थी। यह ट्रांजिस्टर जो होता है दो प्रकार का होता है, एक ट्रांजिस्टर होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो यह इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल पीएनपी ट्रांजिस्टर किस प्रकार से बनते हैं, उसको परिपथ में किस चिन्ह के द्वारा और कैसे प्रदर्शित करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एक बार फिर से, ट्रांजिस्टर तीन अर्धचालकों, जैसे तीन चार अर्धचालकों से निर्मित एक ऐसी युक्ति है जो डायोड वाल्व के स्थान पर विलुप्त होती है। इसका आविष्कार 1948 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक वार्डिन बेरिन और सोकले नाम के वैज्ञानिक ने की थी। तो और यह होता कितना का प्रकार का, ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और कौन एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो चलिए हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को पढ़ते हैं। तो यह हमारा देखिए कुछ पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर। अब देखिए क्या होता है, जब दो पी टाइप के अर्धचालक के बीच में, जब दो पी टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर की पतली परत लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से बने ट्रांजिस्टर को कहा जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। फिर से सुनिएगा, जब दो पी टाइप अर्धचालकों के बीच में एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर या एन टाइप का अर्धचालक जोड़ देते हैं या पतली परत लगा देते हैं तो इसे कहते हैं, इस प्रकार से बने अर्धचालक को कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। जो देखिए जी कुछ इस प्रकार से होता है, या पी टाइप के हैं, इसमें एक बहुसंख्यक कोटर, एन टाइप में ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन, यह देखिए पी टाइप का है अर्धचालक, एन टाइप का, और यह भी
पी टाइप का अर्धचालक है। तो ये इस प्रकार से हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर बनकर तैयार हुआ। तो होता क्या, पहले पी टाइप के अर्धचालक को उत्सर्जक कहा जाता है। इसमें समझिएगा, पहले पी टाइप के अर्धचालक को कहते हैं क्या, मान लीजिए पी वन लिख दें, अगर पी वन को लिख कहते हैं हम लोग उत्सर्जक, हिंदी में उत्सर्जक कहते हैं और अंग्रेजी में ईमीटर कहते हैं, ईमीटर कहते हैं। और दूसरे अर्धचालक को का, दूसरे पी टाइप के अर्धचालक को संग्राहक कहते हैं, दूसरे पी टाइप के अर्धचालक को संग्राहक कलेक्टर। और यन बीच में यन टाइप के अर्धचालक को कहा जाता है आधार बेस, आधार बेस। अब देखिए जरा, हो गया हमारा पहले का, पहले को उत्सर्जक अंग्रेजी में मीटर, दूसरे को संग्राहक कलेक्टर, और बीच में यन टाइप के आधार, यन टाइप को, यन टाइप सेमीकंडक्टर को आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। अब देखिए होता कैसे है, इसमें मान लीजिए इसमें यह गई धारा इमीटर और इससे निकली धारा कौन, कलेक्टर। तो पहले पी टाइप के अर्धचालक को उत्सर्जक कहें आप, दूसरे पी टाइप के अर्धचालक को कलेक्टर कहें, और तीसरे जो बीच में यन टाइप का अर्धचालक है उसको आप आधार कहें। तो पहले इमीटर में गई धारा को कहते हैं ई, दिखाते हैं आई सफिक्स ई से, बेस में गई धारा को दिखाते हैं हम लोग आई सफिक्स बी से, और कलेक्टर से निकली हुई धारा को कहते हैं आई सफिक्स सी से। तो इस प्रकार से हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर बनकर तैयार हुआ। कैसे, जब दो पी टाइप अर्धचालक के बीच में एक एन टाइप का अर्धचालक की पतली परत जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से बने ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसमें पहले पी टाइप अर्धचालक को उत्सर्जक तथा दूसरे पी टाइप अर्धचालक को कलेक्टर कहते हैं, तथा बीच में लगे आधार यन को एन टाइप अर्धचालक को कहते हैं आधार बेस। तो यह हो गया हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर का, पीएनपी ट्रांजिस्टर जो कि, और सुनिएगा इसमें एक बात, पहले एमीटर में गई धारा को दिखाते हैं आई सफिक्स ई से, और दूसरे पी टाइप के अर्धचालक से निकली धारा, कलेक्टर से निकली धारा को कहते हैं आई सफिक्स सी, और एन टाइप से आधार से आधार में गई धारा को कहते हैं आई सफिक्स बी। चूंकि यह इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं, मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें हम लोग अधिक से अधिक इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे, जैसे उत्सर्जक नहीं इमीटर का है, संग्राहक नहीं कलेक्टर, आधार नहीं बेस। तो इसमें आगे हम अधिक से अधिक इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे, ताकि आप समझ जाएं कि अगर मैं इमीटर कह दिया इसका मतलब मैं उत्सर्जक कह दिया, कलेक्टर मैंने कह दिया इसका मतलब संग्राहक कह दिया, बेस कह दिया इसका मतलब आधार कह दिया। अब जरा देखेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर को परिपथ में किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम मिटा दें जरा, यह मान लीजिए हमारा जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, यह हमेशा बीच में आधार होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आधार, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ अंग्रेजी में आधार। यह हो गया हमारा बेस। अब इससे आप समझ लीजिए कि एक धारा जाएगी एक धारा आएगी, इसमें एक धारा का चिन्ह सॉरी, और यह अब आप जरा देखिए कि जिसमें धारा जा रही है वह हमेशा इमीटर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में देखिए, और एनपीएन ट्रांजिस्टर में थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा जिसमें जा रही, जिस पी टाइप के अर्धचालक में जा रही है उसको हमेशा इमीटर। तो यह देखिए, यह इसमें धारा का चिन्ह जो है अंदर की ओर है, इसलिए यह वाली लाइन कहलाएगी हमारी इमीटर। इमीटर मतलब हो गया आपका उत्सर्जक, उत्सर्जक। अब तीसरा बचा, तो तीसरा तो संग्राहक होगी, कलेक्टर होगी, स्वाभाविक बात है। इससे देखिए धारा निकल रही है पीएनपी में, तो इस धारा को बोला जाता है संग्राहक, संग्राहक अंग्रेजी में इसको कलेक्टर। थोड़ी मोड़ी मीनिंग इधर उधर गलत हो जाएगी तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें मीनिंग से नहीं, हमें संग्राहक और इमीटर और कलेक्टर और नाम से मतलब है कि इसको कहते किससे हैं, बस
फिर से एक बार सुनिएगा, जब दो पी टाइप के अर्धचालक के बीच में एक एन टाइप की पतली मतलब एन टाइप अर्धचालक की पतली परत जोड़ते हैं तो इस प्रकार से बने ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। यह कुछ इस प्रकार से होता है, और पहले पी टाइप अर्धचालक को कहते हैं उत्सर्जक, और दूसरे पी टाइप अर्धचालक को कहते हैं संग्राहक, अंग्रेजी में कलेक्टर, और बीच में लगे एन टाइप अर्धचालक को बोलते हैं आधार। और इसको इस प्रकार से दिखाते हैं, इमीटर मतलब उत्सर्जक में गई धारा को दिखाते हैं आई सफिक्स ई से, बेस में गई धारा यानी आधार में गई धारा को दिखाते हैं आई सफिक्स बी में, और दूसरे पी टाइप जिसे कहते हैं संग्राहक, कलेक्टर में गई धारा को कहते हैं दिखाते हैं आई सफिक्स सी। मतलब ये ई से इमीटर, सी से कलेक्टर, बी से बेस को प्रदर्शित करते हैं। परिपथ में इसे कुछ इस प्रकार से चिन्ह से प्रदर्शित करते, पहले बनाते हैं एक गोला, इसमें एक खड़ी पाई, फिर इसमें दो पाई निकालते हैं। अच्छा, अब डिसाइड उससे होगा कि धारा का चिन्ह किसमें किधर है, एनपीएन पीएनपी में यही डिसाइड करना है। अगर धारा का चिन्ह हमने इसमें ऐसे लगाया अंदर की ओर, और इसमें लगाया हमने बाहर की ओर, तो हमें पता है कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में अंदर की ओर धारा जाती है, जिसमें उसको हमेशा इमीटर कहा जाता है, इमीटर, और जिससे धारा निकली उसको हमेशा कलेक्टर, और यह वाला हमेशा बेस। तो इस प्रकार से पीएनपी ट्रांजिस्टर को बनकर हमारा तैयार हो गया, यह था हमारा फिगर, और यह हो गया था हमारा परिपथ का चित्र, परिपथ का चित्र। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो और अच्छी लगे तो एक लाइक एक कमेंट शेयर बन तो बनता है। धन्यवाद।